नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ थ्रेसर के बारे में। थ्रेसर कैसी बनती है यहाँ पे अलवर के रामगढ़ में बनती है, अलवर राजस्थान रामगढ़ में बनती है। आप ये थ्रेसर देख रहे हैं, ये उम्दा क्वालिटी की थ्रेसर बनाई जाती है और ये बनाई जाती है सतनाम एग्रीकल्चर वर्क के नाम से। यहाँ पे कारखाना है, उसमें बनाई जाती है। तो मिलते हैं यहाँ से जो मिस्त्री है उनसे और पूछते हैं। तो मिस्त्री जी, आप ये बताइए, ये जो थ्रेसर है ये क्या नाम है इस थ्रेसर का? कटर बोलते हैं। ये कौन कौन से अनाज निकालती है? आप गेहूं सरसों का मतलब गेहूं तो इसका है। अच्छा, ये गेहूं का ये है और ये है सरसों का, ये सरसों का और ये वाला ये अपने चना निकलते हैं काबुली। अच्छा, काबुली चना निकलते हैं उसका। तो ये जो फ्रेम बनाया आपने ये वाला, ये कितने केजी का आता है? ये चेचिस। ये 6 इंची का होता है। 6 इंची का होता है। अच्छा, और ये जो इसमें व्हील है ये कितने केजी का? व्हील है 46 का। ये तो है 45 का, 46 का भी। 46 इंची। अच्छा अच्छा, तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये काफी उम्दा क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा, ये कितने हुर्रे में होती है? ये डबल पंखे में। ये डबल पंखा आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है इसका? 34 की कोठी। ये आप कोठी देख रहे हैं 34 की है। ये आपका कारखाना है यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ में कौन कौन से पार्ट्स बनाए जाते हैं आप हमें बताइए थोड़ा सा। ये क्या है? ये पुली है। अच्छा, कौन कौन से साइज होते हैं इसमें? ये बड़ी वाली पुली किस काम में आती है? ये सिर्फ गेहूँ काम आती है ये वाली पुली। और ये वाली पुली? ये आती सिरसों में। ये वाली? ये चने में। अच्छा, ये जो व्हील है? नहीं, ये हुए कटर हेल्पर। तो इसको पीछे की साइड को जो ये है इसको क्या बोलते हैं? पुच्छी बोलते हैं। कितने गेयर होते हैं इसमें? तीन गेयर। आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये इसमें गेयर है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये इसमें गेयर है और ये 3 गेयर आते हैं। और इसमें ये नीचे दिख रहा है ये चालना है, क्या है? चालना। इसमें कौन कौन से चालने होते हैं? 3 चाल होते हैं, 1 14 नंबर, 1 15 नंबर, 1 13 नंबर। 1 14 नंबर, 1 15 नंबर, 1 13 नंबर। अच्छा, 13 नंबर किस काम, किस चीज में निकालने में काम आता है? और 14 आता है सिरसों में और गेहूं में। 13 और 14 सिरसों के और गेहूं में काम में आता है। 15 नंबर आता है चने में। 15 नंबर आता चने में। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं 15 नंबर आता चने में। और यहाँ पे इनका ये बनाने का कारखाना आप देख रहे हैं, ये व्हील है। आप, मैं आपको दिखाऊं तो ये व्हील है। ये कितने इंची में आता है ये व्हील? ये 46। 46 इंची में आता है। कितने केजी का होता है लगभग? लगभग ये दो क्विंटल के समथिंग होता है ये। अच्छा, यहाँ पे जो ये मशीनें हैं आप देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे ये काफी सारी इनकी मशीनें हैं। ये सिंगल पंखे की मशीन है ये वाली। इसमें भी अभी तो बन रही है ये मशीन। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये पीछे की पुच्छी होती है और ये इसमें हेड है ये 13-14 का। और इसमें ये आगे ये दिया हुआ है, ये पंखा है 13 इंची। हेड कोई सा भी लगवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें हेड कोई सा भी लगवा सकते हैं किसान भाइयों। और 3 स्पीड का गियर मिलेगा इसमें भी आपको 3 स्पीड का गियर मिलेगा। ये कंप्लीट है, आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये कंप्लीट है। और इसमें ये पुच्छी आप देख रहे हैं, जो कचरा आएगा नीचे नहीं घुसना पड़ेगा इधर से सारा। आप देख रहे हैं ये कचरा है जो नीचे के नीचे निकल जाता है, घुसना नहीं पड़ेगा इसमें। और ये अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं इसमें ये गेयर है, 3 स्पीड गेयर है इसमें। ये वहां से लगता है ये। तो ये 3 स्पीड गेयर है और ये सतनाम एग्रीकल्चर वर्क के नाम से है। ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चढ़ने के लिए आसानी से इस पे चढ़ सकते हैं। पैरदान भी दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये चढ़ने के लिए है। अंदर इसमें बैरिंग भी लगा हुआ है, अंदर बैरिंग लगा हुआ है। ये दिखा रहे हैं हमको बैरिंग के बारे में। ये आप देख रहे हैं इसमें ये बैरिंग लगे हुए, यहाँ सेंटर बैरिंग लगा हुआ है इसमें, ये सेंटर बैरिंग लगा हुआ है इसके अंदर। आप देख रहे हैं बैरिंग, ये देखिए, ये देखिए सेंटर बैरिंग लगा हुआ है इसमें, ये सेंटर बैरिंग है। और काफी, और ये ट्रॉली में नाज भरने का लगा हुआ है इसमें ट्रॉली में नाज भरने का लगा हुआ है। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो
ट्रॉली में ना खोल के दिखाई आप, तो खोल के दिखा रहे हैं ये, आप देख रहे हैं ये ट्रॉली में नाद भरने का, इस तरीके से इसको ट्रॉली में आप लगा सकते हैं और ये जो नाद है वो ट्रॉली में आ जाएगा। तो ये भी इधर से नीचे भी आ जाएगा। अच्छा, अगर आप नीचे से नाद लेना चाहते हो तो नीचे से भी आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये वाले ये खुल जाते हैं। तो इस तरीके से ये काफी अच्छी मशीन है। जो किसान भाई इसको खरीदना चाहता है अलवर में रामगढ़ के अंदर आके संपर्क कर सकते हैं। सतनाम एग्रीकल्चर वर्क्स के नाम से इनकी यहाँ पे कारखाना है और काफी अच्छी उम्दा क्वालिटी की है पूरी। आप मशीन देखिए चारों तरफ से, ये देखिए पूरी मशीन, इसमें ये बैरिंग वगैरह हर तरीके के बैरिंग लगाए जाते हैं और काफी सारी मशीन है इनके पास में, हर तरीके की मशीन मिलती है। ये देख रहे हैं आप, ये भी इसका पार्ट्स ही है जो ट्रॉली में लगाया जाता है। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट्स, ये लगाया जाता है जो ट्रॉली में फिट होता है, ट्रॉली में लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बर्मा। बर्मा इसमें चैन है, ये देखो ये बर्मा है इसमें, ये इसमें चैन लगी हुई है। ये कटोरी है, ये कटोरी है अंदर की साइड को, इसमें कटोरी लगी हुई है, इसको बर्मा बोलते हैं। और ये यहाँ के हेड मिस्त्री जी हैं। क्या नाम है मिस्त्री जी आपका? हरिराम जी, यहाँ के हेड मिस्त्री है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको रूटर बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इसको रूटर बोलते हैं। कंघी भी लग सकती है, कंघी आप लगवाना चाहो तो कंघी भी लग जाएगी, कंघी भी लग जाएगी। रिपर पत्ती बोलते हैं उनको, रिपर पत्ती भी लग सकती है। अच्छा, इसमें नीचे झाड़ भी लगाया जाता है, तो वो कितने इंची का होता है वो झाड़, कितना मोटा होता है? ढाई सूत का, तीन सूत का, ऐसे होता है, साढ़े तीन का, चार का भी होता है, तो अलग अलग साइज होते हैं। 32 की भी मिल जाएगी, 34 की मिल जाएगी। अच्छा, कोठी बोलते हैं इसको, तो ये 34 की भी मिल जाएगी, 32 की भी मिल जाएगी, 30 की भी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों ऑप्शनल है आपके पास में, आप 32 की लेना चाहे, 30 की लेना चाहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे बनाई जाती है। अच्छा, आप ये बताएंगे ये कितने, मतलब कितने तक मिलती है यहाँ पे, प्राइस क्या रखी है इसकी? 280 से लेकर 3 लाख, 2,80,000 से 3 लाख के बीच में। सिंगल पंखा भी तो सिंगल पंखे की भी है, तो सिंगल पंखे की 270 से चालू है 3 लाख तक, तो 2,70,000 से चालू है और 3 लाख तक यहाँ पे मिल जाती है। तो किसान भाइयों यहाँ पे ये बनाई जाती है मशीनें, आप देख रहे हैं, और काफी अच्छी मशीनें हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर ये मशीनें पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।